अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। पुलवामा कांड के शहीदों के नाम पर आज भगवा पट्टे डाले कुछ लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए सरेआम सूरजकुंड पार्क में युवक व युवतियों से अभद्रता करते हुए मारपीट की। इन लोगों ने युवक व युवतियों को धमकाते हुए कहा कि आज के दिन पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, तुम लोगों को यहां वैलेंटाइन डे मनाते शर्म नहीं आती। बता दें कि करीब एक दशक पहले पुलिस ने गांधी पार्क में इसी तरह युवक युवतियों को जबरन कैमरे के सामने लाते हुए मारपीट की थी, जिस पर शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इंस्पेक्टर व सब इंस्पेक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। आज वैलेंटाइन डे है और आज के ही दिन एक साल पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। सोशल मीडिया पर आज ये मुद्दा छाया रहा। लोगों का कहना था कि दुख की इस घड़ी में जब देश की सुरक्षा करते हुए 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए हो, तब आज के युवा वैलेंटाइन डे मनाए, ये उचित नहीं है। आज मेरठ के सूरजकुंड पार्क में एक बार फिर वही हुआ जो एक दशक से ज्यादा समय पहले गांधी पार्क में हुआ था। बस फर्क ये था कि उस वक्त पुलिस ने कैमरे के सामने युवक युवतियों से मारपीट करते हुए अभद्रता की थी और आज गले में भगवा पट्टे डाले कई लोगों ने। ये लोग सूरजकुंड पार्क पहुंचे और जहां भी युवक युवतियों को साथ देखा उन्हें पकड़ लिया। इस दौरान मारपीट व गाली गलौज की भाषा बराबर इस्तेमाल की जाती रही। इन युवतियों ने कैमरे के सामने से भागते हुए किसी तरह अपनी जान बचाई। ये लोग इन युवतियों से अपने पिता का मोबाइल नंबर मांग रहे थे ताकि उनके परिजनों को बताया जा सके। आइए देखते हैं क्या हुआ सूरजकुंड पार्क में। चल ठीक है, तुम बता दो, आज के दिन 44 जवान शहीद हो गए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? आवे नहीं आती थोड़ी बहुत शर्म? और क्या है, चलो उसे बताओ, मैं नहीं समझ पा रहा, हो सकता है मेरी उम्र थोड़ी तुमसे कम हो। अबे हमें फार्मूले मत दे, इनकी वजह छोड़ भी गए ठाकुर साहब की, हिरन बना देते रहे अब तक। जाओ भाई, ठीक है, कल निकल ले। अरे सब ऐसे बोले, कौन से मतलब से, चल तो अपने पापा का नंबर दे, बात कर रहा हूँ, ला नंबर दे ना, फ्रेंड है तुम। अरे जब तुम इस मतलब से नहीं आते, हमें माँ आपका नंबर दो। और क्या, चून का नाम गंदा कर घर का नंबर दे। नहीं ये तो बहुत बोल दिए, घूम कर ला ली। अरे अरे कहाँ रह रहा है, याद करने लायक, अब चला जाए यहाँ से। मदर जी साले बनने हीरो, मरा नहीं, मरा नहीं, मरा कोई। अबे मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तुरंत नंबर कर दे, नहीं तो मैं। इतना सब हुआ लेकिन पुलिस मौन रही। बात बात पर प्रेस वार्ता करने वाले पुलिस अफसरों से भी जब इस बारे में बाइट देने के लिए कहा गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। इस खबर में बस इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।